नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो देख सकते हैं आज हम लोग बनाए हैं भटूरा, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और फूला फूला और क्रिस्पी है, देखने में भी और खाने में बहुत ही टेस्टी। देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या लगेगा और कैसे कैसे करना है, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भटूरा बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे देखिए ले लिया है हमने 2 कटोरी मैदा। आप कटोरी, जिस कटोरी से ले रहे हैं मैदा, उसी कटोरी से आधा कटोरी सूजी ले लीजिए। अब यहाँ पे डालेंगे दोस्तों हम बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा दोनों डालेंगे, आधा चम्मच के करीब, छोटा चम्मच से आधा आधा चम्मच के करीब डाल देंगे। और यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि बेकिंग सोडा वगैरह सब अच्छे से मिल जाए मैदे में और सूजी भी हमारा अच्छे से मिल जाए। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप अच्छे से मिला लीजिए। अब जिस कटोरी से आप मैदा और सूजी नापे थे, उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी दही लेना है। दही बिल्कुल नॉर्मल वाली है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं है और मीठी भी नहीं है। हमने घर में ही बनाया था दही, वही वाला दही है तो ठीक है। और इसे मिला के अच्छे से आप गूथ लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पानी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सूखा सूखा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा पानी ले लेकर के आप आटे को अच्छे से सान लीजिए, जैसे आप रोटी का आटा सानते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट डाल सानना है आटे को। देख सकते हैं इस तरीके से हमें अच्छे से सान के इसे बढ़िया से मिला लेना है, ताकि अच्छे से सारे चीज़ अच्छे से मिल जाए और सूजी भी हमारा अच्छे से फूल जाए। तो इसे हमें देख सकते हैं इस तरीके से आप पटक पटक के आटे को लगाना है, क्योंकि भटूरे का जो मैदा ये होता है आटा, तो उसे आप जितना अच्छा सानेंगे, जितना बढ़िया मुलायम रहेगा और जितना पटक पटक के इसे मैदेंगे, उतना ही बढ़िया भटूरा आपका फूलेगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा हमें ऑयल लिया है, तो रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे लगा के हमें थोड़े देर के लिए और पटकना है, और इसे अच्छे से इसे रख देना है मैद के। अब इसे हमें अच्छे से ढक देना है, ढक के 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है, ताकि सूजी हमारा अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हमारा भटूरे का आटा। तो ये देखिए कितना बढ़िया से फूल गया है और बढ़िया सॉफ्ट भी हो गया है, और सूजी वगैरह सब अच्छे से मिल गया है, फूल गया है। तो देख सकते हैं एक बार और इसे अच्छे से मसल के हमें गूथ लेना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके बाद से हमें डालना है ऊपर से तेल, और अच्छे से इसे मिला के तेल को अच्छे से कर लेना है। और इस तरीके से देख सकते हैं आटा हमें लगा लेना है, और लगा के एक साइड में रख देना देख है। सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा आटा लेके लोई बना लेना है इस तरीके से। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोई बनाया जा रहा है, क्योंकि भटूरे का लोई इसी तरीके से बनता है तो ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें लोई बना बना के रख लेना है। तो हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, और इस तरीके से आप तोड़ के और इस तरीके से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करके लोई को बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें लोई बना लेना है। इस तरीके से करने से दोस्तों भटूरा अच्छे से फूलता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत ही बढ़िया बनता भी है दोस्तों। अगर आप इस तरीके से करेंगे फॉलो, तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी लोइयाँ काट के रख लिया है। अब इसे हम बेलेंगे नहीं, आप चाहे तो इसे बेल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेलूंगी नहीं, क्योंकि भटूरा क्या है, ऐसे ही देखिए इस तरीके से आपको उंगली से प्रेस करके इस तरीके से आपको रोटी का शेप दे देना है। तो ये देखिए कितनी आसानी से फैल जा रहा है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। आप चाहे तो इसे बेलन से भी बेल सकते हैं, आपका आसान काम हो जाएगा। लेकिन देखिए इधर इधर देखिए, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल हमने गरम कर दिया है, तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए, धुआँदार। तो
तो यहाँ पे हमारा तेल बहुत ही गर्म है, तो मैं वहाँ पे डाल दी हूँ अपना भटूरा। तो देख सकते हैं किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि भटूरा अपने आप ही अच्छे से फूल रहा है। और थोड़ा सा करछी को हिलाते रहिए ताकि एक तरफ से अच्छे से फूल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपका भटूरा एकदम फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा भटूरा कितना बढ़िया फूल गया है, और इसको पलट के दूसरी तरफ भी अच्छा लाल कर लेंगे। तो दोनों तरफ से उलटते पलटते हमें अच्छा लाल कर लेना है, और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे बर्तन में। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा भटूरा मैं डाल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से आपको डालना है, और इसे भी थोड़ा सा करछी से हिलाते हुए इसको फुलाएंगे। और ये देखिए कैसे फूल रहा है, बहुत ही बढ़िया फूलता है दोस्तों। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपका भटूरा बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, बहुत ही अच्छा फूलेगा, फूला फूला भटूरा बनेगा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे छोले के साथ, राजमा के साथ, आप जिसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ कलर भी बढ़िया आ गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा भटूरा कैसे फूला फूला बन रहा है, ये देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा फूला है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ छोला बनाया है, छोला और पनीर का सब्जी, तो उसके साथ हमने सर्व किया है भटूरे को, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बनेगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आज का रेसिपी। तो चलिए आज का रेसिपी तो यहीं हम ख़त्म करेंगे, आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा।